पठान फिल्म के बाद दोनों फिर साथ आए हैं, किसी फिल्म के लिए नहीं, दोनों ने पठान के ऊपर एक मिला जुला लंबा चौड़ा स्टेटमेंट रिलीज किया है। सलमान ने कहा, मुझे और शाहरुख खान को बड़े पर्दे पर फिर साथ आने के लिए एक स्पेशल फिल्म की जरूरत थी। मुझे खुशी है कि पठान वो फिल्म बनी। जब हमने करण अर्जुन की तो वो ब्लॉकबस्टर हुई और अब पठान भी ब्लॉकबस्टर बन गई। मुझे पता है कि ऑडियंस हमें बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहती है और मैं खुश हूँ कि लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। जब आदि यानी कि आदित्य चोपड़ा ने मुझे फिल्म का सीक्वेंस बताया तो मैं उत्साहित हो गया। सलमान ने आगे कहा कि आदित्य चोपड़ा एक बात को लेकर क्लियर थे कि दोनों एक्टर्स के फैंस को वो देना जो वो चाहते हैं। बताया कि जिस तरह से सिद्धार्थ आनंद ने वो सीन शूट किया वो एकदम कमाल था। सलमान आगे कहते हैं कि वो शाहरुख खान और YRF के लिए खुश हैं। ये इंडियन सिनेमा के लिए बड़ी जीत है। शाहरुख ने अपने हिस्से का बयान दर्ज करवाया। उन्होंने कहा, विश्वास कीजिए जब मैं कहता हूँ कि मैं और सलमान हमेशा से साथ काम करना चाहते थे, बस सही कहानी और सही फिल्म का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमें साथ देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह होगा। अगर हम ऑडियंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते तो उन्हें बुरा लगता। मतलब फैंस का सवाल है, छोटी स्क्रिप्ट पे नहीं छोड़ सकते। शाहरुख बताते हैं कि जब आदित्य चोपड़ा ने उन्हें YRF स्पाई यूनिवर्स का आइडिया बताया, टाइगर और पठान को साथ लाने की बात बताई तो मैं तुरंत मान गया। शाहरुख ने आगे कहा कि उन्हें सलमान के साथ सेट पर काफी मजा आया। उन्होंने सलमान के साथ स्क्रीन पर आना मिस किया है। रही बात टाइगर के उस स्कार्फ की, तो वो उन्होंने याद के तौर पर रख लिया। पठान की रिलीज से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि सलमान और ऋतिक दोनों फिल्म